आज हम बहुत ही टेस्टी और मजेदार छोले मसाला करी बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं छोले मसाला करी। छोले बनाने के लिए एक कप काबुली चना को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया और पानी में 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा डाल के ओवरनाइट इसे भिगो के रखा है। आप इसे 7 से 8 घंटा भिगो के भी ले सकते हैं। ये कुकिंग सोडा वाला पानी हम निकाल देंगे और 2 बार इसे पानी से धो लेंगे ताकि हमने जो कुकिंग सोडा डाला है वो निकल जाएगा। चना को कुकर में डाल देंगे, इसमें 2 कप पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून तेल। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी तक इसे कुक करेंगे। मिक्सर जार में 1/4 कप फ्रेश नारियल की स्लाइस डालेंगे। फ्रेश नारियल का छिलका निकाल के इसकी पतली स्लाइस की है, आप इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून काजू का पीस लिया है। आप साबुत काजू ले रहे हैं तो 10 से 12 ले लेना है। 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 छोटा पीस टॉर्न फ्लावर पत्थर के फूल, 1 छोटी साइज की बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 12 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता लिया है। इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, इसे तोड़ के डालेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1/4 कप पानी डाल देंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसे थोड़ा ग्राइंड करके 1/4 कप पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बनाई है। टोटल मैंने 1/2 कप पानी डाल के स्मूथ पेस्ट बनाई है। कुकर ठंडा हो गया है, खोल के देख लेंगे। चना अच्छे से बॉईल हो गया है, आप देख सकते हैं आसानी से मैश हो रहा है। इस तरह का चना हमें कुक करना है। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। 2 मीडियम साइज का प्याज चॉपर में एकदम बारीक चॉप करके लिया है, अच्छे से चला लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 5 से 6 कली लहसुन की पेस्ट बना के डालना है। 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। मसाले डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को भुनेंगे। 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भुनेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। 1/4 कप पानी मैंने डाल दिया है और तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। 2 मीडियम साइज का टमाटर को चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप किया है, आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ढक्कन लगा के धीमी आंच पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब तक इसे कुक करेंगे। टमाटर अच्छे से कुक हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। पेस्ट हमने बनाई है ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। 1 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के पेस्ट को 4 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे। तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए तब तक मसाले को लगातार चला के भून लिया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून फ्रेश दही डालेंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के अच्छे से दही को मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद तेज आंच पे लगातार चला के दही को कुक करना है। दही फटना नहीं चाहिए, इसके लिए इसे लगातार चला के ही कुक करना है। 2 से 3 मिनट दही को अच्छे से कुक कर दिया है। छोले हमने कुक किए हैं ये डाल देंगे, अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। मिक्सर जार में 1/2 कप पानी डाल के ले लिया है।
आधा कप पानी और डाल देंगे। तेज आंच पे एक बॉईल आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। इसमें एक बॉईल आ गया है, ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच में एक से दो बार चला लेंगे। इसे 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर दिया है और बीच में दो तीन बार चला लिया था। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। छोले की ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी हो गई है, गैस ऑफ कर देंगे। आप इसे रोटी पराठा पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं और पुलाव और जीरा राइस के साथ में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। छोले मसाला करी बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।